दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे देश की सैर पर जिसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन मौजूद है। अफ्रीका की आंख कही जाने वाली एक रहस्यमयी और खूबसूरत स्ट्रक्चर भी इसी देश में मौजूद है। गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला ये दुनिया का अंतिम देश है। यहां पतले लोगों को नहीं बल्कि मोटे लोगों को अट्रैक्टिव माना जाता है। जहाजों की सबसे बड़ी कब्रगाह भी इसी देश में मौजूद है। लोहा, पेट्रोलियम, सोना और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार होने के बावजूद इस देश की गिनती दुनिया के सबसे देशों में होते हैं। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है मॉरिटेनिया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इस देश के बारे में जानते हैं कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी इस देश को भुला नहीं पाएंगे। मॉरिटेनिया नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया है। इस देश के वेस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा, नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया, ईस्ट और साउथ ईस्ट में माली और साउथ वेस्ट में सेनेगल स्थित है। मॉरिटेनिया की कुल जनसंख्या 44 लाख है। इस देश की 100% आबादी मुस्लिम है। मॉरिटेनिया की गिनती दुनिया के सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में होते हैं। यहाँ प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि मॉरिटेनिया के कुल क्षेत्रफल का 90% हिस्सा रेगिस्तान है। सहारा डेजर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इसी देश में स्थित है। इस देश की GDP 18.117 बिलियन डॉलर की है। वही GDP पर कैपिटा $4,563 है। इस देश की करेंसी ओगुइया है। मॉरिटेनिया की आधिकारिक भाषा अरबिक है। कामों के लिए फ्रेंच भाषा को भी मान्यता प्राप्त है। वहीं पुलार, सोनिनके और वोलोफ भाषा को इस देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। मॉरिटेनिया की राजधानी नुआक्चोट है। नुआक्चोट इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। ये शहर अटलांटिक ओशन के किनारे बसा हुआ है और इस शहर के नाम का मतलब हवाओं वाली जगह है। मॉरिटेनिया पूरी दुनिया में सबसे अंत में गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला देश है। गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला कानून तो इस देश में 1981 में ही बन गया था, लेकिन इस प्रथा को 2007 में अपराध घोषित किया गया। के कानून के बावजूद आज भी इस देश के लगभग 10% जनसंख्या गुलामी में जी रही है। इस देश का नाम मॉरिटेनिया बर्बर किंगडम से आया है। इस देश में 6th century BC से ही ट्राइबल किंगडम मौजूद था। बर्बर किंगडम ने 3rd century CE में इस देश को अपने कब्जे में ले लिया और फिर 8वीं सदी तक इस देश में इसी साम्राज्य ने हुकूमत की। 8वीं सदी में अरब के लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में ले लिया और यहां मुसलमानों के हुकूमत की शुरुआत हुई। मुसलमानों की हुकूमत के साथ ही इस देश में इस्लाम तेजी से फैलता गया। 19वीं सदी में यह देश फ्रेंच कॉलोनी बन गया और फिर इसे 1960 में फ्रांस से आजादी मिली। हालांकि फ्रांस से आजाद होने के बावजूद 1991 तक इस देश में फ्रांस का संविधान ही लागू था। 1991 में इस देश में इस्लामिक कानून के अनुसार संविधान लागू किया गया। मॉरिटेनिया की 22.1% आबादी आज भी गरीबी में जीने पर मजबूर है। 9.8% बच्चे भयंकर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। आई ऑफ अफ्रीका के नाम से मशहूर मिस्टीरियस रिचर्ड स्ट्रक्चर इसी देश में मौजूद है। इस स्ट्रक्चर का डायमीटर 45 किलोमीटर है। इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। आंख की तरह दिखने वाले इस स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ, इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पूरी दुनिया में जहाजों का सबसे बड़ा कब्रगाह मॉरिटेनिया के शहर नुआदिबोउ के पास स्थित है। इस जगह पर पानी के बीचों बीच सैकड़ों जहाज सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं। मॉरिटेनिया मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है। इस देश में लौह अयस्क, सोना, तांबा, जिप्सम और फॉस्फेट रॉक का विशाल भंडार है। इस देश में एक ऐसा भी पहाड़ है जो लगभग पूरी तरह से लोहे से बना हुआ है। इस पहाड़ का नाम कैडियट एज जेल है। 915 मीटर की ऊंचाई के साथ ही कैडियट एज जेल इस देश की सबसे ऊंची चोटी भी है। 2001 में इस देश में तेल के विशाल भंडार की खोज की गई थी। इस खोज के साथ ही मॉरिटेनिया तेल का उत्पादन करने वाला अफ्रीका का सबसे नया देश बन गया। वर्तमान समय में इस देश की आधे से ज्यादा कमाई सोना, लोहा और तेल के निर्यात से होती है। 2019 में इस देश में प्राकृतिक गैस के भंडार का भी खोज किया गया है। इस जगह पर 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद होने की संभावना जताई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन मौजूद है जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। इस ट्रेन का नाम आयरन ओर ट्रेन है। ये ट्रेन नुआदिबोउ से ज़ोएरट के बीच चलती है। बाकी अफ्रीकन देशों की तरह ही मॉरिटेनिया में भी कई प्रकार के जंगली जानवर मौजूद हैं। मॉरिटेनिया में पाए जाने वाले जंगली जानवरों में शेर, बारहसिंघा, तेंदुआ, हाथी, बबून, लकड़बग्घा, भेड़िया और जिराफ समेत और भी कई तरह के जानवर हैं। मॉरिटेनिया के लोगों का औसत जीवन काल 63 सालों का है। मॉरिटेनिया में साक्षरता दर मात्र 53.5% है। पिछले कुछ सालों में ये देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर हुआ है। यही वजह है कि इस देश में हर साल साक्षरता दर 3.21% की दर से आगे बढ़ रही है। मॉरिटेनिया के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी के काम से ही जुड़े हुए हैं। इस देश के लोग मुख्य रूप से बाजरा, चावल और खजूर की खेती करते हैं। साथ ही यहाँ के लगभग सभी किसान पशुपालन भी करते हैं और मछली पकड़ना भी इनके मुख्य पेशों में शामिल है। इस देश की इकोनॉमी में मछली का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। मॉरिटेनिया मछली और मछली से बने उत्पादों को कई देशों को निर्यात करता है। पूरी दुनिया में मोटे लोगों को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन मॉरिटेनिया में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ मोटे लोगों को नहीं बल्कि पतले लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं। इस देश में किसी लड़की को तभी खूबसूरत माना जाता है जब वो मोटी हो। पतली लड़कियों को कई तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक
कि कुछ लड़कियों को तो स्पेशल कैंप में भी भेजा जाता है जहाँ इन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर मोटा बनाया जाता है। मोटी लड़कियों को खूबसूरत मानना तो ठीक है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर मोटा बनाना बिल्कुल गलत है। मॉरिटेनिया में दो नेशनल पार्क है, जिसमे से एक बैंक आर्गुइंग नेशनल पार्क इस देश के टॉप अट्रैक्शन में से एक है। ये पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में भी शामिल है। इस पार्क में सैंड ड्यून्स, स्मॉल आइलैंड्स और शैलो कोस्टल वाटर इत्यादि मौजूद है। इसके साथ ही ये पार्क पलायन करके आने वाले पक्षियों का ब्रीडिंग साइट भी है। इस पार्क में यूरोप से हर साल सैकड़ों प्रजातियों के लगभग 20 लाख पक्षी आते हैं। बर्ड लवर्स के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। मॉरिटेनिया के लोगों के बीच फुटबॉल काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस देश में दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक वो पार्क जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। वहीं इस देश का दूसरा हेरिटेज साइट एंशियंट सोर ऑफ ओडेन है। इसकी स्थापना सहारा डेजर्ट से गुजरने वाले व्यापारियों के कारवा के ठहरने के लिए 11वीं सदी में की गई थी। इस जगह पर ऐतिहासिक मस्जिद और खूबसूरत मीनार भी मौजूद है। ये जगह डेजर्ट टाउन आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साथ ही इस देश के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में पोर्ट डे बीच, लेक डे नोआ कचॉट, टर्जेट ओएसएस, मोनोलिथ ऑफ बेन अमरा, सऊदी मस्जिद, बिब्लियोथ हैबिट और मॉरिटेनिया सहारा इत्यादि शामिल हैं। मॉरिटेनिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दुनिया के देशों के बारे में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।